All right guys, welcome back to again City Skyline. Last वाले episode के अंदर आपको बताया कि मैंने एक school, high school, fire station, police station और जितनी भी जरूरत की चीजें थी वो बना दी थी. मतलब at last अपनी city के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, अपनी सिटी एकदम मस्त चल रही थी. तो यार वैसे तो देखो अपनी सिटी के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अपनी सिटी मस्त चल रही है, सब कुछ है यहाँ पर, गाड़ियाँ वाड़ियाँ यहाँ पर, यार ट्रैफिक की भी कोई दिक्कत नहीं है. पर मुझे लग रहा है कि ये जो इंडस्ट्री वाला एरिया है ना, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही पास बना दिया सिटी के, जिसकी वजह से इनका पॉल्यूशन सिटी के अंदर आ रहा है और इसी वजह से ज़्यादा लोग बीमार हो रहे थे. तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो इंडस्ट्री है ना, इसको मैं थोड़ा पिछली वाली साइड पे एक्सटेंड कर दूँ. लाइक मैं इसको थोड़ा लंबे एरिया में ले आता हूँ. ये जो आगे वाली इंडस्ट्रीज है ना, इनको मैं हटा दूंगा ताकि इनका पोल्यूशन सिटी के अंदर ना जाए. और एक नई अचीवमेंट आई है, बूम टाउन. ओके, न्यू एरिया आ चुका है. ट्रांसपोर्ट ओके, लेवल 3 यूनिक बिल्डिंग्स, फेरी, वॉकिंग टूर्स, बस ओके, बस स्टेशन भी अपन बना सकते हैं, टैक्सीज, पोस्ट सर्विसेज, और इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, रिसाइकलिंग पॉलिसीज भी लगा सकते हैं, और न्यू रोड्स आ चुकी हैं, इंटरसेक्शंस आ चुके हैं, और न्यू पाइप, आई थिंक हीटिंग पाइप्स भी आ चुके हैं, और एडवांस व्हील टर्बाइंस, बस डिपोट, सीमेंट्री, टैक्सी डिपोट, और भी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं. लाइक अनलिमिटेड चीज़ें अनलॉक हो गई हैं. अभी अपनी सिटी और एक्सटेंड हो पाएगी. और आई थिंक नहीं, अभी तक यार अपना हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल जोन ओपन नहीं हुआ, जो कि 8000 पॉपुलेशन पे ओपन होगा, और अपनी पॉपुलेशन अभी है 2600. अभी फिलहाल यार नए एरिया वालों को पानी की दिक्कत हो रही है, तो इनके पानी का पाइप मैं इधर तक एक्सटेंड कर देता हूँ. अभी इस रोड पे जितने भी बंदे होंगे सबको पानी मिल जाएगा. और बिजली की कंजम्पशन तो खैर लास्ट टाइम भी आपको पता है कि मैंने कोल पावर प्लांट लगाया था, जिसकी वजह से बिजली तो एकदम इनफ पैदा हो रही है यहाँ पे. अब इंडस्ट्री की डिमांड भी ज़्यादा हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक रोड इधर से सीधी, वेट मैं इधर से रोड नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पर एक शॉप लगी हुई है. तो चलो शॉप को तोड़ के आई थिंक अब मैं यहाँ से, वेट मैं यहाँ से सीधी रोड नहीं बना सकता, तो यहाँ से ही सीधी रोड लेके चलते हैं. और वेट यहाँ से मेरे को आई थिंक इतना गैप छोड़ना होगा. ऑल राइट, और इंडस्ट्री को मैं यहाँ तक ले आऊँगा, अपने पास बहुत स्पेस है इंडस्ट्री के लिए. और एक रोड इधर को बनाते हैं, और एक रोड को मैं डायरेक्टली ले आता हूँ लास्ट तक. इनफ, इतनी इंडस्ट्री के लिए आई थिंक बहुत रहेगा एरिया. और एक रोड में लास्ट वाली साइड भी आई थिंक बना सकता हूँ. तो चलो अपनी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी एरिया हो चुका है, मस्त अपन यहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह लगाएंगे. तो चलो अभी जोन भी डिवाइड कर देते हैं, ये सारा एरिया भी इंडस्ट्री के लिए. वेट, इस साइड में इंडस्ट्री नहीं लगाने वाला. वेट, यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि इसको कमर्शियल जोन ही रखें, क्योंकि इंडस्ट्री को अगर मैं ज़्यादा इस साइड लेके आऊँगा ना, तो फिर पोल्यूशन सिटी के अंदर जाएगा. देखो यार अपनी नए वाले एरिया में भी फैक्ट्रीज वगैरह लगनी शुरू हो गई हैं, और इनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल रही है, और आई थिंक पानी की तो इनको कोई ज़रूरत नहीं है. वेट, पानी की भी ज़रूरत है इनको. और ये पाइप मैं यहीं से एक्सटेंड कर देता हूँ, दोनों रोज में ले जाता हूँ, एक मैं इधर तक ले आया और एक ले आते हैं इधर तक. वेट, इनको क्या दिक्कत हो रही है? डेड पर्सन इज वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट. ओके, वैसे मैंने सिटी के अंदर कोई भी ट्रांसपोर्ट स्टेशन नहीं बनाया, लाइक टैक्सी स्टैंड या फिर बस स्टेशन, पर आई थिंक इनको सीमेंट्री की ज़रूरत है, क्योंकि आपको भी बताया डेड पर्सन सीमेंट्री में जाते हैं, और आई थिंक ये एरिया खाली है, तो यहाँ पर मैं सीमेंट्री बना सकता हूँ. और आई थिंक थोड़ी देर पहले सीमेंट्री अनलॉक भी हुई थी. तो चलो अपनी सीमेंट्री को एकदम अपन डंप के साथ में बनाते हैं. और देखो यहाँ से ये गाड़ी भी जा रही है कॉफिन्स को लेने के लिए. ओके, आई थिंक इस घर के अंदर ये पहले जाएगी. नहीं, ये सीधा निकल के ये कहाँ जा रही है, आई डोंट नो. यार एक सीमेंट्री इनफ होगी क्या, क्योंकि यार यहाँ पर ये प्रॉब्लम काफी बंदों को आ रही है सिटी में. और ये देखो यार कॉफिन को ये गाड़ी के अंदर लेके जा रहे हैं. ऑल राइट, ये प्रॉब्लम भी अपनी सॉल्व होगी. और जितने यार यहाँ पर मार्कर्स थे, कुछ कुछ घरों पर रह रहे हैं, वो भी आई थिंक थोड़ी देर तक सॉल्व हो जाएंगे. और सीमेंट्री में भी यार पानी की जरूरत पड़ती है, तो इधर से मैं इनका पानी कनेक्शन भी कनेक्ट कर देता हूँ. यार इंडस्ट्रीज के हिसाब से पावर कंजम्पशन और बढ़ चुकी है, और मुझे लगता है कि अपने को विंड टर्बाइन इनके लिए अलग से लगा देनी चाहिए, जिसकी कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 20 watts की. तो एक काम करते हैं, एक विंड मिल मैं इधर, नहीं मैं एक काम करता हूँ, ये खाली वाले एरिया में लगाता हूँ. यहाँ पर आई थिंक मैं लगा भी पाऊँगा या फिर नहीं. तो अपनी पुरानी वाली जगह पे एक विंड मिल लगा दी, और दो लगा दी मैंने,
एक साथ आई थिंक अभी कंजम्पशन और प्रोडक्शन इक्वल हो जाएगी। तो चलो धीरे धीरे इनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। देखो यार अपनी सिटी के अंदर अभी तक यार कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये राइट टाइम है जब अपने को ये बस डिपोर्ट बनाना चाहिए। और ये एकदम एग्जैक्ट लोकेशन है क्योंकि ये सिटी के एंट्रेंस में पड़ती है। तुम देखो यहाँ पर ये मैंने एंट्रेंस पे ही ये बना दिया है बस डिपोर्ट, और यहाँ से बसेस भी नहीं, अभी तो कोई भी बस नहीं आई। अभी बसेस इसके अंदर क्यों नहीं आ रही, आई डोंट नो। आई थिंक कल सुबह होते ही इसके अंदर बसेस वगैरह आ जाएंगी जो कि पूरी सिटी के अंदर चलेंगी। तो यार सिटी में हम डिस्ट्रिक्ट्स को नाम भी दे सकते हैं, तो मैं पहली डिस्ट्रिक्ट को यहाँ तक रखता हूँ और इसको पूरा कवर कर लेते हैं। और इसका नाम मैं आई थिंक क्या रख सकता हूँ, वैसे आई थिंक मुझे इस सिटी का नाम रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए मैं इसका नाम रख रहा हूँ सावन सिटी। ऑल राइट, अभी क्योंकि यार इंडस्ट्री यहाँ तक आ चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी जो अगली अपन रेजिडेंशियल एरिया है उसको थोड़ा दूर बनाए। लाइक मैंने, तुम देखो यहाँ पर मैंने काफ़ी गैप बीच में छोड़ दिया ताकि जो जितना भी पोल्यूशन है वो सिटी के इस साइड ना आए। तो यार इधर मैंने कुछ और रोड्स बनाई हैं जिसके अंदर भी मैं रेजिडेंशियल जोन ही बनाऊंगा। इधर भी रेजिडेंशियल बना देते हैं और इधर भी रेजिडेंशियल ही बना देते हैं। तो अभी के लिए यार यहाँ पर मैंने बस डिपोर्ट तो बना दिया था, पर मुझे नहीं पता था कि इनकी रूट वगैरह भी सेट करनी होती है। तो अभी मुझे पता लगा है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर पॉइंट्स ऐड कर देते हैं जहाँ जहाँ पर बस रुके। तो एक पॉइंट मैंने यहाँ ऐड कर दी, एक इधर जाए बस, और सीधी वाली रूट पे भी जानी चाहिए इस रूट पे जाए, और यहाँ पर भी। वेट, तो मैंने सारी जगह पे यार बस स्टॉप्स लगा दिए हैं जहाँ पर बसें रुक रुक के जाएंगी। और ये रोड आई थिंक कुछ ज़्यादा ही छोटा है, यहाँ पर मुझे लगता है कि इस रोड को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा मेरे को। तो यार अपनी सिटी के अंदर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये मेनली हो रहा है इंडस्ट्री वाली जोन के कारण, क्योंकि यहाँ पर तुम देखो यार सारे ट्रक्स व्रक्स हैं जो कि इस इंडस्ट्री में जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि यार इनके लिए डायरेक्ट ही रास्ता निकाल देते हैं, लाइक ये जो इंडस्ट्री वाले लोग आएंगे ये डायरेक्ट अपने ही रास्ते से आएंगे, सिटी के अंदर ना ही घुसे। तो अभी क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं टू वे लाइन डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट करके इस रोड पे ले आता हूँ। आई थिंक अब जितनी भी ट्रैफिक होगी ना लाइक इंडस्ट्री वाली, वो इधर से ही आ जाएगी और इधर से ही चल जाएगी और सिटी में नहीं घुसेगी। और वेट, यहाँ पर अपने पानी की दिक्कत हो चुकी है, मैं नए वाले रेजिडेंशियल जोन के अंदर पानी का कनेक्शन करना ही भूल गया था। इनको यहाँ से पानी का कनेक्शन दे देते हैं और इनको दे देते हैं डायरेक्टली इधर से। ऑल राइट, देखो यार अपनी सिटी के अंदर बंदे कुछ ज़्यादा ही बीमार हो रहे हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट आधी सिटी बीमार है। तो मुझे यार यहाँ पर एक और हॉस्पिटल खोलना होगा, यहाँ पर 414 बंदे बीमार हैं और अभी मेरे पास इनफ मनी भी नहीं है कि मैं यहाँ पर चाइल्ड केयर सेंटर या कुछ और खोल सकूँ। अभी मेडिकल क्लिनिक ही कुछ और खोल देते हैं, एक मैंने इधर खोल दिया और एक, वेट मैं इस साइड खोल देता हूँ कहीं जगह जहाँ पर मिले मेरे को। तो एक और क्लिनिक यहाँ पर मैंने खोल दिया। अभी अपनी जो हील कैपेसिटी है वो हो चुकी है 400 और 6 सिटीजन है 398, तो अपना काम अभी चल जाएगा। तो आपको पता है यार लास्ट टाइम हमने लगाया था इनलैंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिस करके यार वाटर क्लीन आ रहा था। पर मुझे भी पता लगा कि यार अगर अपन वाटर टैंक्स भी लगाएं अलग अलग जगह पर तब भी यार वाटर क्लीन हो सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सिटी के अंदर 3-4 मैं ये वाटर टावर भी लगा देता हूँ ताकि यार पानी थोड़ा और क्लीन जाए लोगों के घरों में, और जगह ही नहीं है भाई इसको लगाने के लिए। 3 वाटर टावर मैंने लगा दिए, इनको मैं नॉर्मल पाइप से कनेक्ट कर देता हूँ। इसको भी कर दिया मैंने, वेट इसको इधर से कर दिया और ये आई थिंक इससे हो जाएगा। अब बढ़िया, अब अपनी सिटी के अंदर बंदे थोड़े और कम बीमार होंगे। तो यार इंडस्ट्री की गाड़ियां जाने के लिए मैंने जो रोड बनाई थी यहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं हो रही। आई थिंक ये रास्ता मैंने इधर से आई थिंक कनेक्ट नहीं करा, इसी की वजह से यहाँ से पब्लिक नहीं जा रही। तो एक काम करता हूँ कि यार ये वाले रोड्स को भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं स्ट्रेट ऐसे नहीं ले जा सकता। तो आई थिंक अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा वेट, एक इंडस्ट्री हट गई यहाँ से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर एट लास्ट अपना रास्ता कनेक्ट हो रहा है तो बढ़िया है। आई थिंक अब यहाँ से ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा आएगी। देखो अभी यार इधर से भी लोग आने स्टार्ट हो गए हैं, कुछ कुछ लोग यहाँ से भी जा रहे हैं, और आई थिंक अभी इधर से ट्रैफिक कम नहीं, यार इधर अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है
और ये जो मैंने बस स्टॉप लगाए थे इधर अभी तक भी बस नहीं आ रही। आई डोंट नो मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ। मैंने बस स्टॉप्स भी लगा दिए और भाई बस स्टॉप है तो यहाँ पर बस तो आनी चाहिए ना, बस क्यों नहीं आ रही। तो अभी दिक्कत पता क्या लग रही है मुझे कि इस साइड से जो लोग आ रहे हैं ना वो इस रोड पे नहीं आ सकते, दैट्स वाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। तो मुझे लगता है कि जैसे इंटरसेक्शन यहाँ पर है ना, अगर सेम टू सेम मैं यहाँ पर बना दूँ फिर आई थिंक ट्रैफिक इस रोड से ही ज़्यादा जाएगा। तो यार ये वाली इंटरसेक्शन तो आई थिंक यहाँ के लिए बहुत बड़ी रहेगी, इससे तो ऑलमोस्ट अपनी आधी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पर ये वाली इंटरसेक्शन मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ और अपनी नई अचीवमेंट हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बिजी टाउन। ओके, रीच पॉपुलेशन ऑफ 5000, सिटी प्लानिंग पॉलिसीज, 4-level बिल्डिंग्स बना सकते हैं यूनिक, ओके, ऑयल इंडस्ट्री कर सकते हैं, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर प्रायोरिटी, और भी बहुत कुछ ओपन हुआ है यहाँ पर। अपन रोड के साइड पे ट्रीज लगा सकते हैं और काफ़ी तरह की रोड्स ओपन हुई हैं, फायर स्टेशन बड़ा कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन हेडक्वार्टर यहाँ पर आ गया है, ऑयल पावर प्लांट भी आ चुका है और बड़ा हॉस्पिटल भी आ चुका है। तो ऑल राइट यार, काफ़ी चीज़ें अनलॉक हो गई हैं। तो यार ये मैं इंटरसेक्शन बाद में बनाऊंगा क्योंकि अभी अपने लिए इम्पॉर्टेंट है पुलिस का हेडक्वार्टर बनाना, क्योंकि सिटी के अंदर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये एरिया बढ़िया है मुझे लगता है कि हेडक्वार्टर बनाने के लिए, क्योंकि ये सिटी के बीचों बीच है, यहाँ से पुलिस हर एरिया में जा सकती है। और मैं इसका मुंह इधर कर देता हूँ। ऑल राइट गाइज, यहाँ पर देखो पुलिस का हेडक्वार्टर बन चुका है। अभी जितने भी दिक्कतें थी ना लाइक सिटी में जो चोरी वगैरह हो रही थी, अब वो थोड़ी कम हो जाएगी, पुलिस का एक्सेस पूरी सिटी में अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पर गार्बेज है स्पिल्ड ऑफ, यार यहाँ पर मैंने ये लैंडफिल साइट तो बनाई थी जो कि कूड़ा उठा रही थी, अब मुझे नहीं पता, आई थिंक ये लैंडफिल साइट इतनी बड़ी सिटी के लिए कम पड़ रही है। तो सिटी की साइड पर ना एक और मेरे को लैंडफिल साइट बनानी पड़ेगी। एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक रोड बनाता हूँ, ये एरिया एकदम परफेक्ट रहेगा, यहाँ पर ज़्यादा लोग आते जाते भी नहीं है तो लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी। तो यहाँ से रोड एक सीधी खींचते हैं और यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक और डंप। तो एक और लैंडफिल साइट बना दी और यहाँ पर है रिसाइकलिंग सेंटर। आई थिंक जितना भी कूड़ा आएगा अपन उसको रिसाइकल भी कर सकते हैं, तो ये भी मुझे लगाना, पर मेरे पास इनफ मनी नहीं है इसके लिए। अपने को चाहिए 16,000 यूरोस, अभी मेरे पास थोड़े कम हैं। तो चलो अपने पास आ चुके हैं 16,000 यूरोस, तो मैं यहाँ पर रिसाइकलिंग सेंटर भी लगा देता हूँ। ऑल राइट, तुम देखो अपना रिसाइकलिंग सेंटर आ चुका है, यहाँ पर ये गाड़ियाँ वगैरह जा रही हैं, अब जितना भी कूड़ा होगा वो रिसाइकल करके यहाँ पर लेके आएंगे, लाइक अगर थोड़ा बहुत और बचेगा कूड़ा जब बिल्कुल ही वेस्ट है वो यहाँ पर जाएगा, सारा का सारा कूड़ा यहाँ पर नहीं जाएगा। अभी डायरेक्टली तुम देखो यहाँ पर रिसाइकलिंग वाली गाड़ियाँ भी निकल चुकी हैं और इसको भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और पूरी की पूरी सिटी के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि मेरे को यहाँ पर ऑयल पावर प्लांट अनलॉक हो चुका है जिसके लिए अपने को चाहिए 50,000। आई थिंक मुझे इसके लिए लोन ही लेना पड़ेगा, पर मैंने तो पहले ही 2 loan ले लिए थे जो कि मैंने अभी तक पे नहीं करे हैं। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, थोड़ी सिटी को और एक्सपेंड करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मैं कमा सकूं। और पहले तो यार इस बंदे को बिजली पहुंचाते हैं, इसको ज़्यादा ज़रूरत है, और इसका पानी का कनेक्शन भी मैं इधर तक कर देता हूँ। तो यार इंडस्ट्री वाले एरिया में तो बिल्कुल भी बिजली नहीं आ रही, मुझे लगता है कि मेरे को इनके लिए अलग से एक विंडमिल लगा देनी चाहिए। अगर इनकी फैक्ट्रीज अबैंडेंड हो जाएंगी तो सिटी को बहुत ही नुकसान हो सकता है। ऑल राइट, यहाँ पर मैंने एक इनके लिए विंडमिल लगा दी और आई थिंक ऑल राइट, यहाँ पर तुम देख रहे हो प्रोडक्शन अपनी ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है, और यहाँ पर एकदम सही है, इंडस्ट्री को अलग से पावर मिलती रहेगी। देखो यार अभी पूरी सिटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि टाइम आ चुका है अपना इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा और एक्सटेंड करें, और अब मैं लगाने जा रहा हूँ ऑयल पावर प्लांट। आई थिंक ये ऑयल से चलता है और ऑयल की इंडस्ट्री खैर अभी तो लगाई नहीं है मैंने, पर ऑयल को इम्पोर्ट करके अपन इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अभी तुम देखो यार यहाँ पर प्रोडक्शन 253 हो चुकी है, जो कि ऑलमोस्ट 2 cities को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। और यहाँ पर तुम देखो गाड़ियाँ वगैरह भी आ रही हैं जो यहाँ पर ऑयल टाइम टू टाइम फिल करती रहेंगी। अभी यार यहाँ पर वर्कर्स की दिक्कत हो रही है, वैसे तो पॉपुलेशन सिटी की बहुत ज़्यादा है, पर सारे के सारे बंदे अनएजुकेटेड हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पर 2 to 3 schools भी खोले हैं, पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को वो एजुकेट नहीं कर पा रहे। तुम्हें दिखाता हूँ मैं, देखो यार अपने स्कूल्स की कैपेसिटी है 300 और एलिजिबिलिटी है
381 की। तो मुझे लगता है कि एक और स्कूल मेरे को बना देना चाहिए इस साइड पे, लाइक जो इधर वाले घर वाले साइड वाले लोग हैं वो इस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे। देखो यार, यहाँ पर अपनी जितनी भी नई इंडस्ट्रीज बनी है किसी के अंदर भी वर्कर नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं वो इन फैक्ट्री में काम करने के लिए इनफ नहीं है। मुझे को थोड़ा यहाँ पर रेजिडेंशियल जोन और बनाने होंगे। मैं ये सारे एरिया के अंदर, वेट, मेरी मनी इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो जाती है मुझे नहीं पता, पर जितना ये एरिया यहाँ पर रोड्स बनाए हैं इनको मैं जल्दी से रेजिडेंशियल बना देता हूँ। इधर भी रेजिडेंशियल और ये बीच वाला सारा एरिया सबको मैं रेजिडेंशियल बना दूंगा और इनके घर में पहले से ही पाइप डाल देते हैं ताकि ये बाद में ना चिल्लाएं। ये बाद में बहुत चिल्लाते हैं। और इधर से इधर के लिए भी मेरे पास अभी इनफ मनी नहीं है कि मैं पाइप लगा सकूं। खैर देखो यार, यहाँ पर इतनी ज़्यादा हाई डिमांड थी कि जल्दी जल्दी सारे घर बन रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर ऑलमोस्ट आधे बंदे शिफ्ट हो चुके हैं। और अपनी सिटी की देखो यार पॉपुलेशन कितनी जल्दी जल्दी बढ़ रही है, ऑलमोस्ट 5500 की हो चुकी है। और ये बंदे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एक भी वर्कर नहीं है अभी के लिए। यहाँ पर यार कुछ बिल्डिंग्स यार अबैंडन्ड हो चुकी हैं, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ जो कि अपनी सिटी के अंदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऑलमोस्ट जितनी भी नई इंडस्ट्रीज बनी हैं वो सभी की सभी अबैंडन्ड ही हैं। तो ऑल राइट गाइस, देखो यार अभी सिटी एकदम मस्त चल रही है, सब बढ़िया, एरिया भी अपन ने एक्सटेंड कर दिया। तो आज की वीडियो तुम्हें कैसी लगी जल्दी से जाके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। तो चलो गाइस, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।